नमस्ते दोस्तों। तो आप लोग के डिमांड पे एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं एक और शानदार कार, जिस गाड़ी का नाम है टाटा की नैनो। जी हाँ, गाड़ी देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये नैनो है ना कि हलवा है, ठीक है। तो गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है और टॉप एंड मॉडल गाड़ी है, काफ़ी अपर मॉडल की गाड़ी है। और अपर मॉडल लाना यार मेरा मजबूरी था, क्योंकि भाई आप लोगों का कमेंट भी था वैसे ही कि भाई अपर मॉडल का लेकर आओ और सस्ता प्राइस में, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो प्राइस का आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जिनको लेना था नैनो। अब कॉस इस वीडियो को देखने के बाद नहीं लेंगे, क्योंकि गाड़ी बचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। हेडलाइट से शुरुआत करें तो गाड़ी का हेडलाइट आपको नॉर्मल हैलोजन मिलने वाला है, कोई आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट इसमें नहीं मिलती है। नॉर्मल आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग थोड़ी बहुत मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। वैसे इसमें आप चाहें इंस्टॉल कराना प्रोजेक्टर तो आप बेशक करा सकते हैं, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। साथ ही साथ बात करें साइड इंडिकेटर की, तो आपको हेडलाइट्स भी मिल जाती हैं और जो पार्किंग लाइट होता है वो भी आपको हेडलाइट्स में मिलने वाला है। साथ ही साथ फॉग लैंप की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, फॉग लैंप आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं, जो कि नॉर्मल हैलोजन वाली हैं, कोई आपको इसमें भी प्रोजेक्टर नहीं मिलता। वैसे तो बहुत लोग गाड़ी में अभी के टाइम में जो गाड़ी आ रही है उसमें प्रोजेक्टर आ जाती है दोस्तों, फॉग लैंप के अंदर भी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बीच में आपको नॉर्मल टाटा की बैजिंग मिल जाएगी और सिंगल वाइपर के साथ ही गाड़ी आती है। और सिंगल वाइपर इसलिए आती है क्योंकि दोस्तों कॉस्ट कटिंग इसमें की गई है। और छत के ऊपर आपको एक सिंगल एंटीना मिल जाएगा, जिसमें आपका म्यूजिक सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है म्यूजिक सिस्टम। और कॉलिंग में ब्लूटूथ से आप गाने बजाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है और कॉलिंग कर सकते हैं आप। साथ ही साथ दोस्तों इस जो गाड़ी है ना, TS नंबर गाड़ी है, और गाड़ी का जो नंबर प्लेट है ना उसका आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा अगर आप गाड़ी लेते हैं तो। मतलब आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, अगर आपको अपने स्टेट का नंबर प्लेट कराना है, जैसे आप TS से गाड़ी उठा के आप लखनऊ में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको UP 32 कराना होगा, तो आपका UP 32 हो जाएगा अगर आप परमानेंटली लखनऊ में रहते हैं तो। या फिर कोई भी स्टेट में रहते हैं, ऐसा नहीं कि लखनऊ, तो कोई भी स्टेट में रहते हैं आपका गाड़ी का नंबर प्लेट वो चेंज हो जाता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और गाड़ी का जो NOC NO मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप कोई भी स्टेट से आप आराम से इस गाड़ी को बाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पीछे से बात करें तो पीछे से भी काफ़ी कमाल का इस गाड़ी का आपको लुक मिल जाता है, जो कि आप सामने में देख सकते हैं। और जो आपको नैनो में परेशानी का सामना झेलना पड़ता था वो दोस्तों था बूट ओपन करने को लेकर के। तो आज किस वीडियो में, आज किस कार को देखने के बाद आपका ये जो परेशानी था सॉल्व हो जाने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको बूट ओपन करने का फीचर्स मिलने वाला है। जी हाँ, आप बूट ओपन कर सकते हैं इस गाड़ी में बहुत ही आराम से, और बूट स्पेस थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसमें बूट स्पेस मिलने वाला है। 180 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, तो और क्या ही चाहिए जब इतना अच्छा आपको बूट स्पेस मिल रहा है तो। और साथ ही साथ गाड़ी का जो टेन लाइट्स है ना आपको नॉर्मल मिलता है बल्ब वाली, कोई आपको इसमें LED टेन लाइट नहीं दी गई है, हालांकि आप चाहें तो आफ्टर मार्केट ये भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ पीछे में आपको रिफ्लेक्टर दोस्तों देखने को नहीं मिलने वाला है, नॉर्मल जो स्टॉप लाइट आती है वही है, कोई बंपर गार्ड नहीं लगा। और गाड़ी का जो इंजन है वो पीछे में लगा हुआ है, और पीछे में इंजन होने के कारण बहुत भाई लोग ऐसा कंप्लेन है कि इंजन का नॉइस कैबिन तक आता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप नैनो का सबसे बेसिक मॉडल लेने जा रहे हैं तो बेशक उसमें आपको नॉइस मिलेगा, उसमें मैं भी आपको कुछ नहीं बोल सकता या बचा सकता हूँ, उसमें आपको ऑफकोर्स नॉइस मिलेगा, क्योंकि उसमें AC भी नहीं आती। तो जिस गाड़ी में AC नहीं आती उसमें नॉइस कैसे नहीं आएगा यार, खुद आप सोच लो एक बार। लेकिन जितना भी अपर मॉडल है ना, जिसमें AC दी गई है नैनो के अंदर, उसमें आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप आँख बंद करके गाड़ी को ले सकते हैं। और वैसे भी आप गाड़ी लेने जाएंगे तो चारों शीशा बंद करके आप ख़राब रास्ते में चला के देख लीजिएगा, आवाज़ आ रहा है नहीं आपको खुद पता चल जाएगा, किसी को बोलने ना बोलने से क्या ही जाता है। तो साथ ही दोस्तों पीछे का आपने लुक लगभग देख ही लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पीछे में कोई रियर वाइपर या फिर स्पॉइलर सब आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, वैसे वो सब चाहे तो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। और कुछ इस टाइप से आपको गाड़ी का सीट मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट मिल जाता है। फ्रंट की जो दोस्तों विंडोज़ हैं वो आपको पावर बटन के साथ मिलने वाली है, नॉर्मल नहीं है, हैंड रोटेटिंग वाला पावर बटन के साथ आपको मिल जाएगा। और सीटिंग कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी छोटी गाड़ी है, हैचबैक गाड़ी है, और सीट काफ़ी कंफर्टेबल आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। और रियर सीट कुछ इस टाइप से जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्पेस के साथ, ऐसा नहीं कि गाड़ी के अंदर स्पेस नहीं दी गई आपको दिक्कत होगी बैठने में, क्योंकि क्या है ना कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं कि इसमें स्पेस ही नहीं है, उतना ज़्यादा बहुत दिक्कत होता है पीछे बैठने में। तो देख लीजिए आप, दो लोग अगर बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, लेकिन अगर तीन लोग बैठना चाहें तो तीन लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होने वाली है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और कोई भी विंडोज में आपको इसमें पावर बटन का फीचर्स नहीं मिलने वाला, फ्रंट की जो दोस्तों दोनों विंडोज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पावर बटन मिल जाएगा, पीछे में आपको नॉर्मल मैनुअल मिलने वाला है। और कुछ इस टाइप से आपको गाड़ी का डैशबोर्ड मिलता है, काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड है। फ्रंट में आपको दो बड़े बड़े ग्लव बॉक्स मिल जाएंगे इस गाड़ी के अंदर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस है, लॉकिंग सिस्टम भी है। और स्पीकर्स आपको फ्रंट में दो मिल जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, और दो स्पीकर्स इसमें पीछे दी गई हैं बूट के ऊपर, बूट में जो स्टेयर लगा था ना उसके ऊपर आपको दो स्पीकर्स देखने को मिलने वाली है, कुल मिला के चार स्पीकर। और डोर हैं गाड़ी के, डोर के ऊपर आपको एक भी बॉटल होल्डर या फिर स्पीकर आपको
देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ स्टेयरिंग की बात करें तो गाड़ी के स्टेयरिंग नॉर्मल बेसिक सा मिलता है, कोई आपको इसमें स्टेयरिंग पर कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलता, मीडिया कंट्रोल्स या फिर क्रूज कंट्रोल ये सब। साथ ही साथ बात करें एसी की तो दोस्तों गाड़ी के अंदर फ्रंट में 4 एसी वेंट देखने को मिलते हैं जो कि विथ हीटर के साथ है, तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला, काफ़ी अच्छा वर्किंग है। और रियर में आपको एक भी एसी वेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करें एसी कंट्रोल्स की तो दोस्तों एसी कंट्रोल्स इस गाड़ी का आपको नॉर्मल जो मैनुअल वाली आती है वही आपको मिलती है, कोई आपको इसमें ऑटोमेटिक एसी प्रोवाइड नहीं कराई गई है। साथ में इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपको नॉर्मल मिलता है, कोई आपको इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं दिया गया है। और बात करें गियर की तो दोस्तों इसका गियर आपको ऑटोमेटिक मिलने वाला है। जी हाँ, ये जो आप नैनो देख रहे हैं ये आपको ऑटोमेटिक में मिलने वाली है। वैसे नैनो तो आप इलेक्ट्रिक भी आ चुकी है जिसका नाम जेएम नियो है, तो अगर आप नैनो इलेक्ट्रिक लेना चाहें तो ले सकते हैं, हमारा पिछला वीडियो उसी पर है तो आप वो भी देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो भी आप ले सकते हैं, वो भी काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रही है। साथ ही साथ इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो जी हाँ, म्यूजिक सिस्टम आपको लगी हुई मिलती है जो कि कंपनी फिटेड है, और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम में दोस्तों एक आपको कमाल का फीचर्स मिल जाता है और वो है गाड़ी का ब्लूटूथ। जी हाँ, ब्लूटूथ आपको म्यूजिक सिस्टम में मिल जाएगा, आप आराम से गाने सुन सकते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। साथ ही साथ पैडल्स की बात की जाए तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पैडल्स मिलती हैं, इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी है इसलिए। बात करें मॉडल की तो टाटा नैनो 2015 मॉडल आप देख रहे हो दोस्तों, काफ़ी अपर मॉडल है और पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है। वैसे आप इसमें चाहें तो सीएनजी भी लगवा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सीएनजी लगवाना चाहते हैं लेकिन उनको सीएनजी का पैसे के बारे में नहीं पता कि कितना खर्चा होता है, तो उनको मैं बता देता हूँ। अगर आप दोस्तों नॉर्मल सेकेंड हैंड सीएनजी लगवाते हैं, क्योंकि सीएनजी 2 लगती है, एक ब्रांड न्यू एक सेकेंड हैंड, तो अगर आप सेकेंड हैंड लगवाते हैं तो 15 से 20 हज़ार में आपके गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल हो जाएगा। और वहीं अगर आप नैनो में अगर ब्रांड न्यू सीएनजी लगवाते हैं तो 30 से 40 हज़ार आपका खर्चा आने वाला है। तो खैर आप देख लीजिएगा कि आप ब्रांड न्यू लगवा रहे हैं फिर सेकंड हैंड लगवा रहे हैं। साथ ही साथ गियर आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है और फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, आप जब गाड़ी को लेंगे तो आप बन जाएंगे इस गाड़ी के सेकंड ऑनर, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज की बात कर ली जाए दोस्तों गाड़ी कितना एवरेज निकालती है, तो देखिए पेट्रोल पे जो गाड़ी है ना आपका एवरेज, वो एवरेज निकाल के देने वाली है दोस्तों सिटी के अंदर 20-21 की दे देती है। जी हाँ, सिटी में आपको 20-21 की एवरेज काफ़ी आराम से निकाल के दे देगी। और हाईवे पे बात करें तो हाईवे पे पेट्रोल में आपको नैनो दे देती है 27-28 की। वहीं बात करें सीएनजी पे तो दोस्तों सीएनजी अगर आप लगवा लेते हैं तो सीएनजी में काफ़ी ज़्यादा आपका एवरेज जो है वो बढ़ जाने वाला है। सीएनजी में आपको दोस्तों सिटी में बहुत आराम से निकाल के दे देगी 25-26 के आसपास, और हाईवे पे बात करें तो हाईवे पे आपको 35-36 बहुत आराम से निकाल के दे देती है। तो 15-20 के आसपास जो एवरेज है ना आपका बढ़ जाने वाला है पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी में, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और साथ ही साथ बात करें लोकेशन की तो गाड़ी का लोकेशन है हैदराबाद। गाड़ी लेने के लिए दोस्तों आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, इसमें कोई आपको ये नहीं छूट मिलने वाला है। गाड़ी देखना चाहते हैं तो हैदराबाद जाना पड़ेगा, और जो लोग हैदराबाद से उनके लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, आप आराम से गाड़ी को ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, क्या होने वाला गाड़ी का प्राइस। तो दोस्तों ऑनर का आस्किंग प्राइस है 2 लाख रुपये। जी हाँ, 2 लाख में इस गाड़ी को सेल करना चाहते हैं, बट 2 लाख में तो एक गाड़ी बिकेगी नहीं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो मैक्सिमम इस गाड़ी का आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा 1.50 तक, जो कि प्राइस नेगोशिएबल है। प्राइस और भी कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि 1.50 बिल्कुल फिक्स है। तो आप ऑनर से बात करिएगा, ऑनर से बात करके आप डिस्कस कर लीजिएगा प्राइस का, कितना आप कम करा सकते हैं और कितने वो सेल करना चाहते हैं। बात करें ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर की तो वो मैं आपको डिस्प्ले पर दे दिया हूँ, नंबर पर आप कॉल करके ऑनर से बात करिए, देन गाड़ी आपको पसंद है तो आप गाड़ी को बिल्कुल ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।